तो कल हमने डिस्कस किया था सेट, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड सेट। तो क्या था डिफरेंस, ग्रुप और सेट में क्या डिफरेंस था? ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब विदाउट एनी डाउट। हम या तो उसे कहेंगे यस और या कहेंगे नो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा ऑनेस्ट पर्सन या इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं ऑनेस्टी या इंटेलिजेंसी, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचेंगे कहूँ नहीं कहूँ, होगा नहीं होगा, मीन्स एक कन्फ्यूज़न होगा, एक डाउट होगा। तो यहाँ पर जो आप ग्रुप बनाएंगे उसे हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है इंटेलिजेंसी हो गई, आपके रिच हो गए पुअर किसे कहें, ये सब क्या है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइन नहीं कह सकते। कोई पर्सन रिच है या नहीं है, हो सकता है एक की नज़र में रिच है दूसरे की नज़र में रिच ना हो, ठीक है ना। तो हम इस प्रॉपर्टी को वेल डिफाइन नहीं कहेंगे। तो अब जो हम एलिमेंट्स कलेक्ट करेंगे वो हमारा सेट नहीं होगा, लेकिन सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ वॉवल्स, ये सब क्या होंगे? सेट है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स क्या है? क्लियरली डिफाइन है। वॉवल्स क्या है? क्लियरली हमें डिफाइन है। प्राइम नंबर्स क्या होंगे हमें पता है, तो हम किसी नंबर को कह देंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा एट, तो क्या एट प्राइम नंबर होगा? अगर हम एट लें तो क्या एट प्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं, अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम प्राइम नंबर्स के ग्रुप को बनाएं तो उसे क्या कहेंगे? सेट। ये बात क्लियर हो गई, याद आ गया आपको भी थोड़ा बहुत? तो ये हमारे सारे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म्स थी। यहाँ पे केवल हमने ये बताया था सेट है क्या, ए क्या है? सेट ऑफ वॉवल्स। बी क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 और 10। ठीक है, इस सेट में भी कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो इवन नंबर्स होंगे और 2 और 10 के बीच में होंगे। ठीक है, यही बात हमने की थी। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। हमने दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया था, एक थी रोस्टर फॉर्म, दूसरी थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था? रोस्टर फॉर्म में हम कैसे करते थे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एलिमेंट्स को लिख देते थे। जैसे ये हमारी जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है, लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं हम इसको। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ लिखकर बता दिए। जैसे आपके अगर हम अटेंडेंस रजिस्टर बना लें तो उस रजिस्टर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके नेम्स होंगे, सबके नेम्स लिखे होंगे, तो वो क्या होगी? एक रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। इसे लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं था किसी को भी? बताएं, पक्का कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? फिर आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म और रूल फॉर्म, इसे हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। अब इस फॉर्म में हमने क्या किया था? एलिमेंट्स नहीं बताए थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ बताया था। जैसे ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल फॉर्म है। हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट करा है? सेट बी एक्स यानी जनरल एलिमेंट। अब हमने क्या कहा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स एन। ये सिंबल याद है,
ये वाला सिंबल क्या कहा था हमने, इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू। तो अब यहां पर आपके पास ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने यहां पर एलिमेंट्स नहीं बताए, यहां एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई। अब इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं वो आप यहां लिख दीजिए। अब यहां इस सेट बी में दो प्रॉपर्टीज हैं एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और एक्स एक इवन नंबर भी होना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इवन भी हो, सॉरी नेचुरल नंबर भी हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। तो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग वन से होती है। अगर हम वन यहाँ पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वन इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। क्या और कोई एलिमेंट पॉसिबल है, क्या और कोई नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके पास केवल एक ही एलिमेंट वन आ जाएगा। ठीक है, याद है हमने इस सेट को क्या नाम दिया था, क्या नाम था इस सेट का, सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है। ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट, याद आ गया आपको, थोड़ा बहुत याद आ रहा है ये सब किया था आपने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था याद कीजिए, नल सेट डिस्कस किया था हमने। नल सेट को किस नोटेशन से हमने डिनोट किया था, क्या नोटेशन लिया था, एम्प्टी सेट कहा था इसे, नल सेट, या इसे वॉयड सेट भी कहा था। इसे हमने फाई से डिनोट किया था, या केवल इस तरह से, ये भी आपके पास नल सेट। नल सेट क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे नल सेट, याद आ गया। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, सबसेट भी डिस्कस किया था, याद है सबसेट, सेट ए वन टू थ्री, सेट बी वन थ्री नाइन। क्या ए बी का सबसेट है, तो सबसेट की डेफिनेशन याद करो क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। यही पढ़ा था हम लोगों ने, पी के जितने, पी कोई मान लीजिए सेट है, आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, जैसे भी आप चाहें। अब हमने ए और बी लिए हैं तो हम ए और बी ले लेते हैं। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो बी इज सबसेट ऑफ ए। अब चेक कीजिए इसमें, क्या ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो वन ठीक है, थ्री ठीक, मगर टू सेट बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ये सबसेट होता है तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, लेकिन ये सबसेट नहीं है, ठीक है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब इसी तरह से बी के लिए चेक कीजिए, क्या बी ए का सबसेट है, चेक करो, क्या बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है, नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां हमने डिस्कस किया था सबसेट और साथ में डिस्कस किया था प्रॉपर सबसेट, डिस्कस किया था, क्या डिफरेंस था है? याद है, भूल गए, काफी ठीक बोल रहे हो आप, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज प्रॉपर सबसेट
ऑफ वाई, ये हमने एग्जांपल लिया था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई का मतलब हो गया एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, जैसे आपने कहा। अब एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई का मतलब यहां भी वही बात हो गई, एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन मिली कि वाई के सारे एलिमेंट्स एक्स में नहीं है। अगर हम फर्स्ट इस पार्ट को देखें, इस स्टेटमेंट को, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो हमें केवल ये पता चलेगा कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, लेकिन वाई के एलिमेंट्स एक्स में हैं नहीं हैं हमें कुछ नहीं पता चल रहा। पर जब हमने कहा एक्स इज प्रॉपर सबसेट, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, लेकिन वाई के सारे एलिमेंट्स एक्स में नहीं हैं। मीन्स वाई के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक्स में नहीं होंगे, ये बात कही थी। तो हम यहाँ कहेंगे एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। एक हमने डिस्कस किया था इक्वल सेट्स, याद है, आ गया याद, लड़ाई बाद में। एक्स इज इक्वल टू वाई, दो सेट्स इक्वल कब होंगे, हमारे पास दो सेट्स हैं, हमने कहा एक्स इज इक्वल टू वाई, कब होंगे दोनों इक्वल, जब एक्स इज सबसेट ऑफ वाई हो और वाई भी एक्स का सबसेट हो, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे एक्स एंड वाई आर इक्वल सेट्स। याद आ गया, कार्डिनल नंबर याद है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट याद है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए 1 3 4, आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए। अब इसका कार्डिनल नंबर है क्या होगा, क्या मतलब है कार्डिनल नंबर से, कुछ याद आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया, सेट ए का कार्डिनल नंबर हो गया 4। जैसे हमारे अब इस क्लास में हम बात करें कितने एलिमेंट्स हैं, वो इसका कार्डिनल नंबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है, याद आ गया। अब हमने यहीं पर बात की थी नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, पावर सेट, याद है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, मान लीजिए हमारे पास सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, नहीं n, अगर अभी हम सेट में n एलिमेंट्स लें तो हमारे पास टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2n, आपने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग 2n, 2 raised to the power n, ये हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, कितने सबसेट्स होंगे, 2n। हमारे पास एक सेट A है, चलिए हम इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, हम इसका कार्डिनल नंबर लिखते हैं, ये इसका कार्डिनल नंबर हो गया, हमें नहीं पता एलिमेंट्स कौन से हैं। अच्छा सबसेट्स बनाए तो कितने बनेंगे, 32 सबसेट्स होंगे 2 power 5, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2n-1, ठीक है। अब इसी से हमने पावर सेट भी बनाया था, पावर सेट बनाया था तो उसमें क्या किया था, जितने भी सबसेट से वो सब एक सेट में लिख दिए, तो हमने उसे क्या कहा था, पावर सेट, याद आ रहा है। तो यहां पर पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 power 5, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 2 power 5-1, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, 2 power 3,
ये हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स आएंगे, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, 7, ठीक है। अब इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे सबसेट्स, पहले नल सेट, फिर सिंगलटन सेट्स, तो सिंगलटन सेट्स बना लीजिए, ये सभी सिंगलटन सेट्स हो गए। अब क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाइए, तो 1, 3, 1, 7, सिस्टम बेटा मेरे को देखो पता नहीं इसके बारे में, मैं कह नहीं सकता ना। चलिए हाँ, तो आपके पास ये सब सबसेट्स आ गए, कितने सबसेट्स हैं काउंट कर लीजिए, 8 हैं। सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना था, 3, कितने पॉसिबल सबसेट्स थे, 8 सबसेट्स आ गए। अब अगर हम इनको एक सेट में लिख दें तो अब ये सेट क्या बनेगा, पावर सेट, इस सेट को कहेंगे ये हमारा बना पावर सेट, याद आ गया, आगे क्वेश्चंस में ये बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। और हमने क्या डिस्कस किया था, दो ऑपरेशन डिस्कस किए थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वन थ्री फाइव, सेट बी 3, 7, 1, 9, तो ए दिस क्या था, ये सिंबल किस ऑपरेशन के लिए यूज किया था, यूनियन के लिए, यूनियन का मतलब क्या था, एक साथ कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स लीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, तो 1, 3, 5, 3 हमारे पास है, 7, 1 है हमारे पास, 9, ठीक है, क्लियर ये बात। और अगर हम इस सिंबल को लें तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो सेट ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, 1 एंड 3, ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट किसी को, तो अब आप बुक को कर दीजिए बंद और आगे के टॉपिक मैं पहले आपको यहाँ समझा रहा हूँ, फिर बुक को हम यूज़ करेंगे, फिलहाल बुक को बंद कर दो, ये सारे टॉपिक सब आपको बुक में फिर मैं बाद में दिखाऊँगा कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, फिलहाल आप अपनी बुक को बंद कर दीजिए, बहुत ध्यान से यहाँ समझिए, कॉपी पेंसिल तैयार रखिए, कुछ भी पॉइंट नोट करना हो तो तुरंत नोट कीजिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सेट ए 1, 3, 4, सेट बी 7, 9, नाइन टू, दो सेट्स हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, मैं बहुत थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा मगर थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स की हेल्प से पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट, वेरी गुड,
क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जब दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है तो उन दोनों सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट है तो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं बता सकते हो? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। अब हम अगर ये सेट लें तो आप बता सकते हैं सेट एन में कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करके बता सकते हो आप? कितने का बताओगे? इनफाइनाइट ही कहोगे, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो आपके दो सेट्स हैं, सेट ए और बी, जिनके एलिमेंट्स को काउंट करके हम बता सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स, ठीक है? ये हमारे हैं फाइनाइट सेट्स। और जिनके एलिमेंट्स को काउंट करके हम नहीं बता पाएंगे, जैसे नेचुरल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, होल नंबर्स, ये सब क्या है? काउंट करके बता सकते हैं। तो ये सारे सेट्स क्या बनेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। डिफरेंस याद रखिएगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करके किसी एक नंबर में उन्हें बता सकते हैं तो हमारा वो सेट फाइनाइट है। अब हम उसको बता दें भाई हम नहीं काउंट कर सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट सेट होगा। याद रखेंगे, डिसजॉइंट सेट्स याद हो गया क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। पक्का? ठीक है। इक्वल सेट्स याद हैं? इक्वल सेट्स में हमने क्या कहा था? ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अब जरा एक बात देखिएगा, हम एक सेट ले रहे हैं ए, 1, 3, 4, 7। एक हमने दूसरा सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं, 3 नहीं लेते, यहाँ लेते हैं 0, 9, 5 एंड 10। अब आप क्या कहेंगे, क्या ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स हैं? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं हैं, लेकिन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं। कार्डिनल नंबर्स तो याद है ना क्या थे? सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? 4। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, ठीक है? कार्डिनल नंबर सेम है तो ये दोनों सेट्स हमारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये हमारे कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस नजर आया अब आपको, बता सकते हो? हाँ, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और सेम एलिमेंट्स हो, दो बातें हो गई ना, एलिमेंट्स भी सेम हो और कार्डिनल नंबर भी सेम हो, तो हम कहेंगे इक्वल सेट्स। और अगर हमारे पास केवल कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। याद रखेंगे इस चीज़ को, डिसजॉइंट सेट याद रहेगा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल इक्विवेलेंट सेट, दोनों में डिफरेंस, ठीक है? अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की।
पहले हम थोड़ा सा टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर ऑपरेशंस। यूनिवर्सल सेट, सुना है नाम यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सेट होता है, कि सारे सेट उसके सबसेट्स बन जाए, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता, ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सेट ए 1, 3, 5 सेट हो गया। एक हमने दूसरा सेट बी ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी एक सेट हो गया। क्या ए बी का सबसेट है? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम यहां कह सकते हैं बी इज यूनिवर्सल सेट इस केस में, ठीक है। मान लीजिए हमने एक सेट और कंसिडर कर लिया है, 1, 2, up to 10 तो अब क्या हो गया? ए बी का भी सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है, और बी भी सी का सबसेट हो गया। तो अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या बना? सी बन गया। अब अगर हम एक सेट एन इस तरह से डिफाइन कर दें, तो अब यूनिवर्सल सेट क्या बना? एन। डिफरेंस समझ में आ गया ना कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा? हो सकता है आपसे एग्जाम में किसी क्वेश्चन में पूछ ले, बताइए यूनिवर्सल सेट क्या है, या आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम में कौन सा सेट बनेगा। तो कैसे चेक करोगे? आप ये चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा सेट है कि सारे सेट उसके सबसेट्स हैं। जिस सेट के सारे सेट सबसेट्स हो जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। सबसे बड़ा कह दीजिए समझने के लिए, कि सबसे बड़ा जिसमें सारे सेट्स आ जाएं वो आपका उस प्रॉब्लम का यूनिवर्सल सेट होगा। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? पक्का? ठीक है, अच्छी बात है। कोई डाउट हो किसी को, कुछ पूछना हो किसी को भी? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं। हमने दो ऑपरेशंस स्टडी किए थे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान से समझिएगा। ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए। अब ए डिफरेंस बी का मतलब एक्स सच दैट, सिंबल याद है, गिवन दैट भी कहते हैं। एक्स बिलोंग्स इन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन बी। कहने का मतलब वो एलिमेंट्स जो केवल ए में है, इसे हम ओनली ए भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ओनली ए, ओनली ए का मतलब केवल ए, बाकी कुछ नहीं। ये हमने यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करी है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा है x belongs in A and x does not belongs in B, यानी कि वो एलिमेंट्स जो केवल A में है, वो एलिमेंट्स ले लीजिए जो A में है और जो B में भी है, कॉमन एलिमेंट्स उन्हें हटा दीजिए। अब अगर हम B डिफरेंस ए लें तो x इज सच दैट x belongs in B and x does not belongs in A, ठीक है। इसे हम कहेंगे ओनली बी, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल, सेट ए 1, 3, 4, सेट बी 1, 7, 4। अब हमें चाहिए ए डिफरेंस बी, कैसे करें?
अब यहाँ आप दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करते रहिए, है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर ये सेट बड़े हो जाए, कार्डिनल नंबर ज़्यादा हो, मीन्स अगर इसमें सेट में 10 एलिमेंट्स दे दीजिए तो क्या होगा, कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। भाई हमने डिफरेंस में क्या कहा है, जो केवल एक ही सेट में हो, कॉमन ना हो, यही तो कह रहे हो, कॉमन को हटा दीजिए। तो अब हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं भाई कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही सेट्स में, उनको हम अलग कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 दोनों सेट्स में है और 4 ये भी दोनों सेट्स में है। तो अब ए डिफरेंस बी चाहिए तो कैसे करोगे, ए में से कॉमन एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो ए में से कॉमन एलिमेंट्स हटाओ, कौन कौन से, 1 और 4, क्या बचा, ये आपका आ गया ए डिफरेंस बी। इजी हो गया हमारा, अब आपका एलिमेंट टू एलिमेंट अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको चाहिए बी डिफरेंस ए तो क्या करेंगे, बी में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दीजिए। ध्यान रखिएगा किस में से हटाएंगे, ए में से या बी में से, तो बी डिफरेंस ए का मतलब हम बी से कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो अब कौन सा एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास, 7। इजी है, मुश्किल तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें और ये बातें क्लियर हो जाए। यहाँ तक बातें ये क्लियर हो गई, पक्का। अब इसी में अगर हम ये चेंज कर दें, वन थ्री फोर, तो अब आप बता सकते हैं ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए क्या मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों, जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में कॉमन एलिमेंट्स हो गए और उन्हीं को आपने हटा दिया तो सेट खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, तो दोनों आपके नल सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, याद रखिएगा अब इसको, अगर अब हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो ये जो हमारा सेट बनेगा, ये हमारा कहला, ये जो हमारा ऑपरेशन भी कह देते हैं, सेट भी मान लेते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसे हम जनरली इस नोटेशन की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। एक एग्जांपल ले लीजिए यहां पर, 1 3, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 4 9। तो अब क्या करेंगे, पहले ए डिफरेंस बी निकालिए, बी डिफरेंस ए निकालिए और फिर उन दोनों का यूनियन लीजिए। तो ए डिफरेंस बी क्या आएगा, अब आपके पास ए में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, कॉमन एलिमेंट्स क्या है दोनों सेट्स ए और बी के, 1 कॉमन है, तो ए डिफरेंस बी क्या बचेगा, 3, ठीक है, यूनियन। अब बी डिफरेंस ए क्या बचा, बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, 4 9, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, यूनियन का मतलब एक साथ कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, 3 4 9, ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
ठीक है, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्का क्वेश्चन पूछो, कुछ कॉपी करना है रब कर दे। अभी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, याद है यूनिवर्सल सेट? बोले तो नहीं, वेरी गुड। नल सेट भी पढ़ा था हमने। यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू एस और कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। हो सकता है आपकी बुक में कैपिटल एस या ये सिंबल यूज किया गया हो, ये अभी हम चेक कर लेंगे, ठीक है? ये अभी कर लेंगे इस बात को डिस्कस कि ये सिंबल क्या यूज किया गया है। तो हम इसको हटा देते हैं, इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज किया जाएगा यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है? तो मुश्किल तो नहीं है ना ये? हम एस यूज कर लेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, अगर यू यूज होगा तो कैपिटल यू यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक चीज बताइए आप, वन थ्री फोर नाइन और हमने यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है? मुझे एस डिफरेंस ए चाहिए, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आप क्या करोगे, एस में से ए के एलिमेंट सारे हटा दोगे? यही तो करेंगे आप, ठीक है? हटा दीजिए, तो कौन कौन से एलिमेंट्स अब आपके पास बचेंगे? टू, ध्यान रखिएगा एस डिफरेंस ए निकाल रहे हैं, टू फाइव सिक्स सेवन एट, यही बचेंगे एलिमेंट्स। क्लियर है ये बात? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब ये जो अब आपके पास सेट आया है ये वाला, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसे हम इन दो नोटेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कैसे निकाला? यूनिवर्सल सेट से जो गिवन सेट है उसे हटा दिया, बाकी जो बचा वो गिवन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है? एक सेट हम बी लेते हैं, एलिमेंट्स हमने लिए टू सेवन नाइन, अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए यहां पर? आप एस में से टू सेवन नाइन को हटा दीजिए, वन थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन, ये सेट बी का कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। याद रखेंगे इसको, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? गिवन सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, बाकी अब जो सेट बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। क्लियर सभी लोग? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर कर दें इसको। क्या आप बता सकते हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट होंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट क्या था? जिसमें से यूनिवर्सल सेट से हमने सेट को ए को हटा दिया था, तो वो कॉम्प्लीमेंट सेट था। तो हम चाहते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक सेट ए है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा उसके अंदर ए वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे,
और जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या मिला आपको, यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल से करके देखते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। हमने सेट ए लिया है, एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, मैंने सारे ऑड नंबर्स ले लिए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या बनेगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में, इवन नंबर्स आ जाएंगे। भाई मैंने सारे ऑड नंबर्स का सेट ए कह दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। तो कौन से एलिमेंट्स बचे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब अगर इन दोनों सेट्स का यूनियन लिया जाए तो क्या हमारे पास सेट एस वापस नहीं आ जाएगा, क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना, यूनिवर्सल सेट। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, नल सेट। क्लियर, याद रखेंगे इस चीज को, पक्का, कोई कंफ्यूजन, ओके, क्लियर कर दें आप इसको। बस एक दो टॉपिक्स और हैं, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की बातें सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, ओके okay. अब एक चीज़ देखिएगा, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिमॉर्गन्स रूल, ये काफ़ी यूज़ होगा, डिमॉर्गन्स रूल याद रखिएगा इसको। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसे एक एग्जांपल से करके भी देखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेन डायग्राम, वहां वेन डायग्राम बना के देखेंगे। अब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट एस है, छोटा सा एक सेट ले लेते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए, एलिमेंट्स हमने लिए 1, 2। सेट बी, एलिमेंट्स 3, 7, 9, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो अब आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट्स को हटा दीजिए, यही तो कहेंगे आप। तो कौन से एलिमेंट्स आप हटाएंगे, 1 और 2, तो कौन से एलिमेंट्स बच गए, 3, 4, 5। बी कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं, अच्छा हमारे पास सॉरी 9 नहीं है, हमने 9 नहीं लिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 9 लिख देते हैं, रुक जाओ मैं इसे दोबारा ही कर देता हूँ यहाँ पर ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। 1, 2, 3, 7 से लेकर 9 तक ले लीजिए, अब इसे भी चेंज कर देते हैं। हाँ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब 3, 7, 9 को हटा दीजिए, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 तो है हमारे पास, तो 9 को नहीं ले, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट को, हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट,
तो पहले ए यूनियन बी निकालिए, कितना आ जाएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 7 9, ए और बी का यूनियन लेंगे ना आप, तो 1 2 3 7 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, सेम जैसे ए के साथ था वही एक यूनियन बी के साथ है, कोई चेंज नहीं होगा हमारे इस रूल में, इस डेफिनेशन में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। तो अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 7 9 हटा दीजिए, तो 4 5 6 7 है हमारे पास, तो 8 9 वो भी है, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या यही सेट आपको मिल रहा है या नहीं, इन दोनों को चेक कीजिए, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट्स दोनों में है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है और 8 इक्वल आ गए, यही बात हमने कही थी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए, वो आप इसी तरह से करके देखिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं सीखोगे, तो एक बार करके ज़रूर देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल, पक्का? तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ओपन कर लीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज, स्टार्ट कीजिए। और आप देखिए कि अब आप इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, जो इसमें क्वेश्चंस हैं और जो हमने पढ़ा है उसमें अब आप कितना कर पाएंगे। तो इसमें एक्सरसाइज यस, चलिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो बुक को बंद कर दीजिए, आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं 7A। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, आपके पास एक सेट है तो इसका पहले क्या पता करेंगे, कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ सबसेट्स 2n, n क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2^3 यानी कि 8। इजी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, लैंग्वेज क्लियर हो गई, हमारे पास एक सेट है और उस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स होंगे, 2^n। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत इजी है, 5। नल सेट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से, ठीक है, या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज ऑप्शन ए नल सेट, क्योंकि ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब सेट क्या रहेगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेट है हमारे पास, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो एक्स सच दैट इस तरह से भी लिखते हैं और ये भी यूज करते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन फाइव रिप्रेजेंट्स द सेट व्हेन एक्स में टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली, मीन्स इंटीजर्स लेगा। तो कौन सा सेट बनेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जीरो से बड़े और फाइव से छोटे कौन से इंटीजर्स हैं? वन टू थ्री फोर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर आपके पास रोस्टर फॉर्म है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसे प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप जरा चेक कीजिए इसको, आपके पास सेट में एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब जरा वन बाय वन जो इसके ऑप्शंस हैं वो चेक कीजिए, क्या हम इसको ले सकते हैं? चेक कीजिए, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ये आपको दिया है x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये कहते x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो भी ली जा सकती है, जीरो से बड़ी तो होगी, जीरो भी होगी। लेकिन अब फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, तो हम एक्स की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। अब अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे तो टू एक्स जीरो नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा तो ये जीरो भी नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा नेक्स्ट इस सेक्शन बी को चेक कीजिए। अब यहां पर क्या है? वही बात है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है और फाइव से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू को जीरो नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहां एक चीज और भी है, ध्यान से देखिएगा, एक्स है, जो आप एक्स लेंगे वही आप सेट में लिखेंगे। आपने अगर एक्स की वैल्यू वन ली तो सेट का एलिमेंट क्या आएगा? वन, वो हमारे इस सेट में नहीं है, तो हम सेट ऑप्शन बी भी नहीं लेंगे। अब सी को चेक कीजिए, यहां पर एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? जीरो हो सकती है, वन है, टू थ्री फोर फाइव, ये सारी वैल्यूज ली जा सकती हैं, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और साथ ही लेस देन इक्वल टू फाइव भी है और टू एक्स है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो लोगे तो टू इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो टू इंटू वन टू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू टू लेंगे तो टू इंटू टू फोर होगा, थ्री लेंगे तो सिक्स, फोर लेंगे तो एट, फाइव लेंगे तो टेन, तो ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ एक काम और कर सकते थे हम, यहाँ पर इस पार्ट को, ये काम बहुत ध्यान से कीजिएगा, इस तरह से भी लिख सकते थे। तो पहली बार में देखते ही लगता हमारे को कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो है लेकिन x इक्वल टू फाइव नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़कर तब उसके आंसर दीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। तो अगर यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन फाइव होता तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि x इक्वल टू फाइव नहीं मिलेगा, x इक्वल टू फाइव नहीं होगा तो टेन भी नहीं होगा और टेन हमारे इस सेट में है, समझ रहे हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये भी पॉसिबिलिटी थी कि आपके सेट में टेन ही ना हो, ये भी तो हो सकता था। तो क्या ऑप्शन सी सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा अगर हम इसमें से टेन को हटा दें? नहीं होगा।
क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 5 यानी कि 10 भी आएगा जो हमें नहीं मिल रहा। तो इसमें अब सेक्शन ऑप्शन सी सही नहीं, इसका ऑप्शन फिर डी सही होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझ रहे हैं, तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखकर ही आपको मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 10। अब आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, सेट पी और सेट क्यू भी है और आपसे अब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ऑप्शन बी। तो पहला काम आपने क्या किया, कॉमन एलिमेंट्स सर्च किए, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, फिर उनको काउंट करा। तो पी और क्यू में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 1, 3 और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, कितने एलिमेंट्स हो गए, 2। नेक्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ध्यान से कंबाइन कीजिए, दोनों का यूनियन लीजिए, तो 1, 2, 3, 5, 7 और 6, 10, 15। चेक करो कोई एलिमेंट है तो नहीं गया, सब एलिमेंट हमने काउंट कर लिए, कितने एलिमेंट्स आ गए, ध्यान से चेक करो। ऑप्शन सी मीन्स दिस वन, इजी है, पक्का, वेरी गुड। नेक्स्ट ये जो ये 1 दिख रहा है ना आपको, ये डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट है। तो आपसे यहां पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी डैश यानी कि पी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे करोगे इसको बताओ, कैसे काउंट करोगे, देखो बहुत सिंपल है, वो आपसे एलिमेंट्स पूछ रहा है, कितने एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा कौन से एलिमेंट्स हैं, यही तो पूछ रहा है। कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे बनाया था आपने, अगर हमें पी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट से पी के एलिमेंट्स को हटा दोगे, यही तो करोगे ना। हमारे यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 15। पी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो कॉम्प्लीमेंट सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे बनाएंगे, पी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दोगे तो वही तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा पी का। अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 15। पी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, हटा दीजिए, 10 बच गए। अगर वो आपसे पूछता एलिमेंट्स भी बताइए तो फिर हमारे को एलिमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे, तो वो काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट, जो क्यू का कॉम्प्लीमेंट सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पूछ रहा है, 10। तो हमारे क्यू सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 15, बचे कितने, 10। इजी हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पढ़िए, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर इज, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्या होता है, याद है फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट, ये भूल गए, पक्का फाइनाइट सेट क्या था, जिसके एलिमेंट्स हम काउंट करके किसी नंबर में बता सकते हैं, जिनके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते मतलब हम नहीं बता सकते कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो इनफाइनाइट। तो हमने क्या करा, सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑफ द नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर से उन सबके क्यूब लिए, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 5 4 क्यूब 5 क्यूब, उनका सेट बना दिया। अब वो सेट जो बनेगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, नल सेट तो नहीं बनेगा।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, अब ये बताइए ट्वेल्थ, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या नल सेट है? हमारे पास जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, टू पावर एक्स एंड एक्स इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो जानते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या है? रैशनल नंबर सर। तो अब हमारे पास जो सेट है उसके एलिमेंट्स 2^2 में है और जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो क्या ये सेट फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, नल सेट होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, ठीक है? नेक्स्ट 13, इसका बता सकते हैं आप? आपके पास जो सेट आपको गिवन है, जो एलिमेंट गिवन है वो इस फॉर्म में है और एक्स एक इंटीजर है, एक इंटीग्रल पावर, एक्स एक इंटीजर, तो अब क्या बता सकते हैं? ये जीरो एलिमेंट सिंगलटन सेट जीरो के साथ होगा, टू के साथ होगा, जीरो और टू दोनों होंगे या इनमें से कोई भी नहीं होगा? थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया सी सी ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास है जीरो टू, ए ऑप्शन में जीरो है, ए के साथ सिंगलटन सेट है, सेकंड ऑप्शन बी में अगेन सिंगलटन सेट, एलिमेंट टू हो गया, ऑप्शन सी में दो एलिमेंट्स है जीरो एंड टू, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अब देखिए एक चीज यहां समझिएगा, -1/x मेन चीज ये है। अब अगर x इवन हो तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी, -1/2, -1/3, -1/4 क्या होगा? 1 होगा। और अगर ऑड हो जाए x की पावर तो -1 आ जाएगा, -1/1, -1, -1/3, -1, -1/5, -1 होगा या नहीं? अब अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारे पास केवल दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि दो ही आउटपुट्स पॉसिबल हैं, या तो जीरो आएगा या टू आएगा, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। अगर पावर इवन है तो 1 और 1-1 जीरो हो जाएगा, और अगर पावर ऑड है तो -1, 1-1 कितना बनेगा? 2, 2 बनेगा। तो आपके पास अब ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है? इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ई इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो E यूनियन O क्या होगा? होल नंबर सेट बनेगा, नेचुरल नंबर सेट बनेगा, रैशनल नंबर सेट बनेगा या नन ऑफ दिस? नेचुरल नंबर सेट। अब हमारे पास जो सेट E है वो क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या आएंगे? पॉजिटिव इवन नंबर्स होंगे। O क्या है? पॉजिटिव ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। दोनों का यूनियन ले लीजिए तो क्या बना? नेचुरल सेट बन गया, नेचुरल नंबर्स आ गए हमारे पास, तो हमारे पास नेचुरल नंबर सेट आ जाएगा, ठीक है? बताओ कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, R is the set of positive rational numbers, E is a set of real numbers.
तो अब इनमें से कौन सी बात सही है? अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ, जो मैं कल डिस्कस कर भी रहा था आपसे, नोटेशन डिस्कस कर रहा था, याद कीजिए सबसेट के केस में, कि जब हम सबसेट सबसेट की बात कर रहे थे तो हमने इस तरह से लिखा था। और आपको एक बात और भी बताई थी कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी नोटेशन यूज करते हैं, बात हुई थी, याद है बात हुई थी, दोनों ही सबसेट्स के लिए यूज किए गए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, सबसेट भी लिया और इक्वलिटी भी ली, याद आ रहा है, इक्वलिटी भी है और सबसेट भी है। और यहाँ हमने डिस्कस किया था तो इसे सबसेट भी बताया था और इसे प्रॉपर सबसेट की फॉर्म में भी यूज किया था, याद आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ई इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, पक्का। इसका मतलब जो R है वो सेट E का सबसेट बनेगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसका मतलब या तो ये बात सही होनी चाहिए या ये बात सही होनी चाहिए। अब कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर, है या नहीं? नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहां प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया। रेशनल नंबर जितने भी हैं आर में वो सारे रियल नंबर्स हैं। क्या सारे रियल नंबर्स या कोई रियल नंबर ऐसा है जो आर में ना हो? बहुत सारे पॉसिबल है या नहीं? तो इसका मतलब यहां क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आप सही मार्क करेंगे यहां पर? बी, समझ रहे हैं? ये बात क्लियर है? आपसे कहा है आर इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी तो होते हैं, वो रियल नंबर्स भी होंगे, लेकिन वो हमारे सेट आर में तो नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ई में है आर में नहीं है, तो आर ई का क्या बना, प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर इन दोनों का ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करा है और ये सिंपल सबसेट के लिए, दो पॉसिबिलिटीज के लिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आई इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दीज, चेक कीजिए सभी लोग। I is set of positive integers. Positive integers कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही positive integers होंगे। Natural numbers कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी natural numbers ही होंगे। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? Equal sets हो गए। है या नहीं? Positive. अगर वो आपसे ये कहते कि इस set of I is set of integers, इतनी सी बात अगर वो रख देते तो प्रॉपर सबसेट हो जाता। आपसे कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर दोनों सेम होगा, ठीक है? जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत ध्यान से पढ़कर तब इसका ऑप्शन को सेलेक्ट करें और ऑप्शन देखकर आंसर ना बताएं। फटाफट ऑप्शन देख लो क्या था, फिर सोचो क्यों है, पहले सोचो क्यों है फिर ऑप्शन सर्च करो, है ना? क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर्स नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आई इज सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल्स। आइसोसेलिस ट्राइंगल्स जानते हैं, जिनके दो साइड्स इक्वल होती हैं। एंड ई इज अ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ई क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
बहुत ध्यान से सोचकर, आई सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड ई सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आई. ई एंड आई बोथ आर इक्वल सेट्स. आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो तो इक्वल हैं, ऑब्वियस सी बात है. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दो तो इक्वल होंगे, वो कोई से भी हो. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? इसके दो साइड्स इक्वल हो. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो. चलिए इसे मैं चेक कर लूँगा अगर ऑप्शन में कोई डिफरेंस आ रहा है. 18 का बताइए, आर इज सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड आई सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसमें क्या सही रहेगा? अच्छा, ये जरा आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला पार्ट इसको जरा समझिएगा. यहाँ थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ. ये जो सिंबल यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी कहा है ना, इसी बात को हम अगर ऐसे लिखें तो बी इज कॉल्ड सुपरसेट. सुपरसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सुपरसेट ऑफ ए. इसे हम कहते हैं सुपरसेट. ठीक है, याद रखिएगा सुपरसेट और सबसेट. ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए. आर इज सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड आई इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई और आर में क्या रिलेशन आना चाहिए? क्या आर और आई इक्वल होंगे? क्या आई आर आई का सुपरसेट होगा या आई आर का सबसेट होगा? बताओ. या आर आई का सबसेट होगा. सी, ये होना चाहिए. ऑप्शन क्या है चेक करो. आपको भाई ऑप्शन चेक करो. आपने कहा था ना ये 17 में कंफ्यूजन हुआ है, तो ऑप्शन इसका भी चेक करो. सी है. 19 चेक कीजिए. का बताइए, अब ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है या एम्प्टी सेट है? बताएं. एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये एक नेचुरल नंबर है. तो आपके पास जो एन है, एन इनफाइनाइट होंगे. जब आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स यहां पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट भी इनफाइनाइट से आएंगे. यानी कि सेट क्या बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा. कोई कंफ्यूजन? बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है. अब सेट ए आपके पास रोस्टर फॉर्म में है और सेट बी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है. लॉजिकली सोचिए, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहां ध्यान से देखिए, जो सेट बी है इसके अंदर एक्स की वैल्यू कहां से ली गई है? ए से. जितने एलिमेंट्स ए में लेंगे उतने ही आपको बी में मिलेंगे. एलिमेंट्स ही तो डिफरेंट हो जाएंगे, उनका स्क्वायर ही तो होगा. एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ना. हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है. सेट बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने एलिमेंट सेट ए से आप लेंगे उतने ही आपको सेट बी में एलिमेंट मिल जाएंगे, 5 मिलेंगे. तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिसका ऑप्शन सी सही है. ये भी बात अच्छा है, क्लियर हो गई कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो गलत क्यों है. ये भी हमें पता होना चाहिए था कि स्मॉल बी नहीं यूज होगा, स्मॉल बी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन ए क्या होगा? एक सेट है उसी का आपने यूनियन ले लिया, वही सेट बनेगा.
ए इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा, ए बनेगा। ट्वेंटी थ्री, अभी हमने एक थ्योरम डिस्कस, एक लॉ डिस्कस करा है, डिमॉर्गन्स लॉ, इसे डिमॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेक कीजिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी, डिमॉर्गन्स लॉ था ना, अभी हमने दो उसके रिजल्ट्स पढ़े थे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी, डिमॉर्गन्स लॉ पर बेस है। हाँ, अब सुपरसेट की बात यहां पर आती है 25 में, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है। ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज ए सुपरसेट ऑफ ए। अब ई इज सुपरसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ E is a superset of A, then A is subset of E. यही तो हो गई बात, A is subset of E. तो A union E क्या मिलेगा, बोलो, E मिलना चाहिए, क्योंकि A किसका पार्ट है, E का, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, ई बन गया, होना चाहिए या नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई, ओके, और कोई, सोचकर क्वेश्चन को पढ़कर, ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, एग्जाम में एक ही बार मौका मिलेगा, उसे रब भी नहीं कर सकते उस ऑप्शन के बाद, कर सकते हो कि नहीं 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 ये तो गलत हो गया, अब इसे चेंज करें, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो बहुत ध्यान से सोच कर कीजिए। अब ई इज सुपरसेट ऑफ ए, तो ए इज सबसेट ऑफ ई, तो ए इंटरसेक्शन ई कितना आएगा, ए ही बनेगा। ऑप्शन देखते रहो, अपने चेक करते रहो, अगर कहीं भी कोई डिफरेंस होगा तो हमसे देखेंगे क्यों है, ठीक है, देखते रहिए। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, आई थिंक अब आप इनको कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27, बताएंगे ई यूनियन ई कितना होगा, ई यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, ए से कोई मतलब ही नहीं है, जब उन्होंने दो सेट दिए हैं और दोनों सेम है, ई है, तो रिजल्ट भी वही आएगा, ई आएगा। ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एंड ई इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, ई इज सुपर सेट ऑफ ए और ए इज सबसेट ऑफ ई। अब हमें दोनों, सबसे पहले ई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इस प्रॉब्लम में ई यूनिवर्सल सेट बन गया, ई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट बनेगा, समझिए। हमने क्या कहा, ई इज सुपरसेट ऑफ ए या ए इज सबसेट ऑफ, यही बात कही है, ठीक है। अब यहां हमने कहा है कि ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ई में से सब कुछ हटा दो, बाकी जो भी बचा, और कुछ है नहीं हमारे पास, दो ही सेट्स हैं, ए है, ई है, यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब हम क्या लेंगे, फिर ई को ही मानेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया,
फाइव बन गया। अब दूसरे ढंग से सोचिए, अगर फाइव को भी ना लें, एक इसमें है, ई में है, एक इसमें है, ये ई है मेरे पास, ए है, एक इसमें है, ई में है, मैंने कहा ई हटा दो तो ए भी हट गया, तो ए इंटरसेक्शन क्या बनेगा, समझ रहे हैं? किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, अगर आप यूनिवर्सल सेट की हेल्प से देखोगे तो भी फाई आएगा। तो हमारे पास क्लियर है? नहीं बताओ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, जल्दी से सोचना है और सही आंसर देना है, दोनों चीज़ें, टाइम भी और एक्यूरेसी भी, है ना? तो इसका ऑप्शन बी सही है। 29, ए इंटरसेक्शन फाई, फाई होगा, इसमें ई से मतलब ही नहीं है हमारे को, ए और फाई का अभी हमने डिस्कस भी किया था, ए और फाई अगर एक सेट है और एक नल सेट है, दोनों का कॉमन निकालें, कॉमन एलिमेंट्स को निकालें तो क्या मिलेंगे, कुछ भी नहीं, क्यों मिलेगा कोई एलिमेंट, बताओ, सोचो इस चीज को, नहीं मिलेगा ना, पक्का है? वेरी गुड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 30। नेक्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अरे अभी तो डिस्कस किया था, अभी यूनिवर्सल सेट में आई थी ये बात, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बोलो ई, क्योंकि यहां पर ई यूनिवर्सल सेट माना गया है, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है यहां पर? ई है, ठीक है। नेक्स्ट 31, ई सेट है, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा सेट बनेगा? ई सेट में एलिमेंट्स 1 to 9 है, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो अब कंडीशन क्या है, 5x, 5 + x शुड बी ग्रेटर देन 10, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें कुछ नहीं होगा, तो यानी कि 5 तक तो कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम 6 लें, 6 + 5 क्या आएगा, 11, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पर, ये इनइक्वालिटी है या नहीं, 7 ले, मतलब 6 और 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 5 + x ग्रेटर देन 10 रहेगा, है या नहीं? तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 6, 7, 8, 9, मीन्स ऑप्शन बी। और अगर हम यहाँ पर इक्वलिटी भी लगा दें तो 5 भी आ जाएगा, क्योंकि 5 + 5 = 10 होगा और 10 = 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिंबल याद है, भूल गए, ये वाला सिंबल, ये नोटेशन किसके लिए था, सिमेट्रिक डिफरेंस है या नहीं, लिखा भी है इन्होंने, देखो ये बात यहां लिखी भी है ना, तो आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, और आपसे वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी पूछ रहे हैं, तो पहले ए डिफरेंस बी बताओ, फिर बी डिफरेंस ए बताओ, और दोनों का यूनियन करो, तो ए डिफरेंस बी क्या आएगा, चेक करो कैसे किया था हमने, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स निकाले, कॉमन एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, चेक करो, केवल 3 है या कोई और भी एलिमेंट है, नहीं, तो ए डिफरेंस बी करके देख लीजिए, ए डिफरेंस बी 1, 2, 4 याद है, बी डिफरेंस ए 5, 7 यही किया था हमने, अब दोनों का यूनियन 3 को हटा दीजिए। अब ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है इसको करने की, कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए, जो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा उसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे, है ये, मैं सोच के देखो इस चीज़ को, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स तो हमने हटा दिए,
तो हमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। हो गए सब क्वेश्चंस? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।